कोरोना काल में अपने प्राण न्योछावर करने वाले कोरोना योद्धाओं के लिए 40 चौराहे पर स्वास्थ्य संगठन ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी ने एकजुट होकर कोरोना योद्धाओं के नाम, शहीदों के नाम एक दीपक जलाया और उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना महामारी में ड्यूटी देने के दौरान अपने प्राण न्योछावर करने वाले कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वास्थ्य संगठन द्वारा गुरुवार को 40 चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर महामंडलेश्वर सुरेशानंद शास्त्री, विधायक दिलीप सिंह परिहार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन, राजकुमार अहिर, हेमंत हरित मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वास्थ्य कर्मचारी और मौजूद सभी ने शहीद कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों के नाम एक दीपक जलाया। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना संक्रमण पूरे देश में फैला, तब कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभाई। हम लॉकडाउन में घर पर थे, तब भी सभी स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे थे। पुलिस कर्मी और पत्रकार भी अपने काम में जुटे हुए थे। सभी ने कोरोना में ड्यूटी देकर हमें बचाने में का काम किया है। जो इस महामारी में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए, हमें बचाने के लिए शहीद हुए, आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सेवाभावी लोगों द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम सब लोग जानते हैं कोरोना जैसा संक्रमण पूरे विश्व में फैला और उसके बाद जब भारत में आया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता से अपील की कि वह जनता कर्फ्यू का आह्वान करे। सभी के सहयोग से जनता ने अपने घरों में रहे और कोरोना से कैसे निपटा जाए इसकी योजनाएँ बनी। लॉकडाउन के कार्यकाल में भी लोग घरों में रहे, मगर हम सब लोग जानते हैं सब जब हम घर में थे तब स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे थे, जब पुलिस कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे थे, पत्रकार बंधु अपनी सेवा देकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे, जगह जगह सैनिटाइज हो रहे थे, नगरों को स्टॉक किया जा रहा था और कैसे लोगों को कोविड-19 से बचाया जाए इसके लिए सब लोग लगे थे। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य प्रशासन लगा था, जनता लगी थी, समाज सेवी संगठन लगे थे, सब लोगों ने लगकर और लोगों को बचाने का काम किया। जो लोग इस कोरोना जैसी बीमारी की वजह से देवलोक गमन हो गए, उनकी याद में हमने आज यहाँ दीपक प्रज्वलित किया है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया।